नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। सीकर में कल सुबह करीब 5 बजे भक्त जब खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने जा रहे थे तो इसी दौरान भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे को रौंदते हुए चले गए। इस दौरान चीख पुकार मची और 3 महिलाओं की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल भी हो गए। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। और बात करें ऐसी घटनाओं के ग्राफ की, तो 10 से 15 साल के भीतर इस तरीके की घटनाओं में भारी इजाफा देखने को मिला है। हर साल 2 से 3 ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते हैं जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु अपनी जान गंवा देते हैं और सरकार सिर्फ जांच बैठाकर आखिर में मुआवजा बांट देती है। अगर असलियत की बात करें तो धार्मिक स्थानों में भगदड़ इसलिए देखी जाती है क्योंकि ज्यादातर जगहों पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन भी यहां पर नहीं किया जाता है, जिसके कारण भीड़ की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश या फिर धक्का मुक्की जैसी स्थिति हो जाती है। और ऐसे स्थानों पर बैरिकेड्स, रास्ते, पर्याप्त प्रवेश निकास द्वार और आपातकालीन निकास भी नहीं होते हैं जिसके कारण आवश्यकता से अधिक लोग डर जाते हैं और बेकाबू होकर इधर उधर भागते हैं जो कि हादसों का कारण बनता है। वैसे भी धार्मिक जगहों पर भगदड़ का कारण भारी भीड़ का जुटना, अफवाह, प्राकृतिक आपदा और व्यवस्था में कमी माना जाता है। कहीं ना कहीं सच्चाई भी यही है और ऐसे घटनाओं में पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिलती है जो पहले से ही श्रद्धालुओं की भीड़ को हल्के में ले लेती है और आखिर में समय में अपने हाथ खड़े कर देती है। तो इसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई और लोगों से उनकी राय इस पूरे मुद्दे पर जानी। और सबसे पहले आपको लेकर राजधानी जयपुर चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी बसंत पांडे ने जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानने का प्रयास किया, आप सुनिए। खाटू श्याम जी मंदिर में मासिक मेले के दौरान, भगदड़ के दौरान 3 महिलाओं की मौत हो गई। इस पर प्रशासन की ओर से, पुलिस के आला अधिकारी की ओर से SHO को सस्पेंड कर दिया गया। इन धार्मिक स्थलों पर किस तरह व्यवस्था की जाए, बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्या लगता है धार्मिक स्थलों पर किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए? देखिए, धार्मिक स्थल लोगों का श्रद्धा का केंद्र होता है और जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थितियां पैदा करती है। खाटू श्याम जी मंदिर की हम बात करें तो सभी को पता है कि वहाँ एकादशी पर बड़ा मेला भरता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। पुलिस प्रशासन की, मंदिर प्रशासन की गलती है कि उन्होंने उसके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं की। वहाँ पे जो भगदड़ मची, उनमें जो 3 महिलाओं की मृत्यु हुई, उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल पुलिस प्रशासन, उनकी लापरवाही और संबंधित थाने का SHO है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि SHO को निलंबित कर दिया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है धार्मिक स्थलों पर होनी चाहिए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटनाएं धार्मिक स्थलों पर नहीं होनी चाहिए। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, क्योंकि उनको पता है बड़ा मेला भरता है तो चौक चावंद व्यवस्थाएं वो करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वो सरकार ने ठीक कदम लिया है, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जो लापरवाही करते हैं, आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो यही आशा करते हैं हम। बिल्कुल, देखिए, हालांकि सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करती है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाक चौबंद रहे, क्या लगता है किस तरह की व्यवस्थाएं धार्मिक स्थलों पर होनी चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि वैसे वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अगर फिर भी अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अगर वहाँ रहे, जो वहाँ लाइनिंग है, बड़ी बड़ी कतारें लगती हैं, उन पे कड़ी पाबंदी से उनको अगर देखा जाए तो ऐसी भगदड़ ना मचे, और अगर मुस्तैदी से उनको बताया जाए सारे नियम कि ऐसे आपको रहना है, इस तरीके से आपको चलना है, ऐसे ऐसे इतनी मात्रा में ही आदमी एक बार में अंदर दर्शन कर सकते हैं, अगर ये सारी पूरा चार्ट के रूप में अगर श्रद्धालुओं को बताया जाए ना, तो इस प्रकार की घटना आगे से नहीं हो सकती। जहाँ तक है पुलिस प्रशासन को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को जोर देने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी प्राचीन धार्मिक मंदिर हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ अक्सर देखने को मिलती है। खाटू श्याम जी मंदिर जहाँ पर लाखों की संख्या में देश विदेश से भी लोग दर्शन करने आते हैं और इस तरह की लापरवाही की जाएगी तो कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। हालांकि 3 महिलाओं की मौत हुई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से वहाँ के SHO को निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज़ जयपुर। चलिए अब आपको कोटा लेकर चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की है मंदिर की व्यवस्था को लेकर, आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। के सीकर जिले में खाटू श्याम जी में जिस तरह से दर्शन करते हुए श्रद्धालुओं के साथ भगदड़ मची और उसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई, उस विषय पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम के लिए कोटा से कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, जैसा ये देखा गया है कि बड़े जो तीर्थ स्थान हैं राजस्थान के, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं हैं। कल 3 लोग
वृद्ध महिलाओं की वहाँ पर मौत हो गई, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो इस दुखांतिका के अंदर जो मृत परिवार है उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, और ये पूर्ण रूप से प्रशासन की विफलता है, उनके इनपुट्स की विफलता है। जिस प्रकार से उस दिन एकादशी के दिन माँ भीड़ की आकांक्षा थी और वो उससे पहले 10 दिन पहले जिस प्रकार से ये सुगम पोर्टल पर भी डाला गया, पोर्टल पर भी डाल के बताया गया कि उस प्रकार की भीड़ होने वाली है, उस प्रकार की उसके लायक प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की, एक घोर विफलता है प्रशासन की, और केवल प्रशासन की विफलता के कारण इस प्रकार की घटनाएं हुई है। सर, मंदिर समिति के हाथ में एक बड़ा जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं मंदिर से जो समिति है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है। निश्चित रूप से ये एक ट्रस्ट के माध्यम से ये संचालित है और राजस्थान का वर्तमान में सबसे बड़ा एक धार्मिक केंद्र है खाटू श्याम बाबा। लाखों की भीड़ वहाँ पर जाती है, लाखों दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं। जिस प्रकार से ट्रस्ट की व्यवस्थाएँ हैं देखते आए हैं पूर्व में भी कि अव्यवस्थाओं का एक अंबार है, उस प्रकार से निश्चित रूप से वहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से जिस प्रकार से वहाँ पर नियंत्रण किया जाता है वो काफ़ी नहीं है, और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर साहब का एक दुखद बयान आया वहाँ पर, कलेक्टर साहब ने कहा कि हम केवल जो है वो लक्खी मेला जो वहाँ पे भरता है उस एकादशी पे हमारा ध्यान रहता है, अन्य नित्य प्रतिदिन दिनों पर हमारा कोई विशेष ध्यान नहीं रहता। एक बड़ा दुखद बयान सरकार की तरफ से एक कलेक्टर ने दिया है, ये बड़ा दुखद का विषय है। निश्चित रूप से जिस प्रकार के इनपुट्स वहाँ जनता ने दिए हैं, पूर्व में सूचना थी, उस सूचना के आधार पर वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, और ट्रस्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, ट्रस्ट इसमें विफल रहा। सर, SHO को सस्पेंड कर देना कहीं कार्रवाई में लिपापोती देखने को मिल रही है? निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रस्ट इसके लिए जिम्मेदार है, प्रशासन के बड़े स्तर के लोग जिनके पास ये इनपुट था कि वहाँ पर संख्या होने वाली है, वहाँ पर निश्चित रूप से उनकी विफलता है और कार्रवाई होनी चाहिए थी। और एक तरीके से अन्याय लग रहा है कि एक निश्चित रूप से एक SHO को अगर आपने उस पर दिया तो ऐसा संदेश सरकार देना चाह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि ये पूर्णतया सरकारी तंत्र की विफलता थी और कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकारी तंत्र की सबसे बड़ी विफलता यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं जो वहाँ पर घटना हुई है उसमें जो लोग मृतक हुए हैं उनके परिवारों को संवेदना व्यक्त करता हूँ, और मैं सरकार से इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, उसमें पूर्ण तरह से सरकार को सचेत रहना चाहिए, लोगों को पहले जागरूक करना चाहिए ताकि इस तरह की भगदड़ की घटनाएँ नहीं हों, और सरकारी तंत्र अपनी व्यवस्थाओं को संभालने के बजाय लोगों को परेशान करने का काम करता है। मेरा सरकार से ये मानना है, मेरा ये कहना है सरकार से कि सरकार को सजग रख के लोगों को जागरूक करके और इस तरह के जो बड़े आयोजन है उसमें पूर्ण तरह से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सर, क्या ये चीज़ें देवस्थान विभाग को दे देनी चाहिए जिससे अच्छी तरह से काम हो सके? नहीं, देवस्थान विभाग एक छोटा सा विभाग है, वो इतना काम कर नहीं पाएगा, ये तो जिला प्रशासन का ही काम है। इस तरह के जो बड़े आयोजन होते हैं तो जिला प्रशासन को पूरी तरह सजग रहना चाहिए। देवस्थान के को देने से, देवस्थान विभाग है अपने आप में लेकिन छोटा विभाग है, वो इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएगा। मेरा ये मानना है कि कलेक्टर ADM को लगा, इस तरह के अधिकारियों को लगा के और पूरी व्यवस्था को अपने मॉनिटरिंग करें। जब जो बड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ पर इस तरह की घटना हो जाए, ये निंदनीय है। कहीं ना कहीं सर, जिस तरह से सांवरिय सेठ का जो भव्य लोकार्पण हुआ है और भव्य पांडाल बनाया गया, उस तरह से कहीं ना कहीं खाटू श्याम में भी व्यवस्थाएं और बढ़ानी चाहिए, मंदिर का जो विस्तार करना चाहिए? देखिए, ये संस्थागत निर्णयों का आधार है। अपने सांवरिया सेठ पे जो ट्रस्ट है उस पर प्रशासन का अधिकार है, प्रशासनिक स्तर पे वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं और एक निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ आज सामने नज़र आ रही हैं। खाटू श्याम परिवार एक निजी परिवार के ट्रस्ट के माध्यम से खाटू धाम मंदिर संचालित होता है। ये विषय है कि देवस्थान विभाग या सरकार उसको किस प्रकार से अधिग्रहण करे या ना करे, ये सरकारी तंत्र पर जिस प्रकार की घटना हुई, ऐसा नहीं है कि घटना ये पहली घटना है। राजस्थान में जोधपुर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ था, माताजी के मंदिर को मैं आज याद दिलाना चाहूँगा, जिस प्रकार की भगदड़ वहाँ मची, इतनी मौतें हुई, उसके बाद भी प्रशासन जिस प्रकार से सोया हुआ है और अव्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये एक सोचने का विषय है कि सरकार किस प्रकार से राजस्थान के अंदर तंत्र जो स्थापित कर पा रही है। कोटा के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, कोटा के अंदर अभी 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति ने किसी को गोली मारी,
पूर्णतया विफलता है, आपका खुफिया तंत्र विफल है, शहर के अंदर पिस्तौल रिवाल्वर लेके व्यक्ति घूम रहा है, आपका सूचना तंत्र बिल्कुल विफल है, इसकी विफलता प्रशासन की है कि किस प्रकार से हथियार लेके घूम रहा है। और ये निश्चित रूप से प्रशासन जो है वो उसके इनपुट्स जो है वो बहुत वीक है, उनको अपनी व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार खाटू धाम के भी जिस प्रकार के इनपुट्स थे कि बहुत अच्छी संख्या में वहाँ पे दर्शनार्थी आने वाले हैं, और जिस प्रकार के इनपुट थे उसको नज़रअंदाज किया गया, उसके कारण ये घटना हुई और दुखद घटना हुई। ट्रस्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रस्ट पर कार्रवाई, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच के अलावा ये जो फेल हुआ वहाँ पर, इनका इनपुट था, इनको 5 लाख के आसपास संख्या पहले ही मालूम पड़ गई थी प्रशासन को, राज्य सरकार को पूर्ण याद था कि यहाँ संख्या बल है और एक दिन पहले से वहाँ भीड़ जमा थी, फिर भी इन्होंने कोई व्यवस्था वहाँ नहीं करी। इनको इस व्यवस्था से ही करना था, जब भीड़ बढ़ रही थी तो प्रशासन को रोकना था, वहाँ पुलिस वाले आराम से बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे जब वो भीड़ निकल रही थी वहाँ से। कल वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो धरने पर बैठे, उन्होंने मंदिर ट्रस्ट पर कई आरोप लगाए, क्या कुछ कहना चाहिए? मंदिर ट्रस्ट पर जो आरोप लगाए वो प्रशासन के कारण ही मंदिर ट्रस्ट पर वो लग रहे हैं, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट तो अपना अंदर का संचालन कर रहा था, उनकी भी जो कमियाँ हैं वो भी उजागर होनी चाहिए। मंदिर ट्रस्ट की भी जो भी कमियाँ, कहीं ना कहीं VIP दर्शनों के नाम पर खुली लूट हो रही है, खुली लूट होती है वहाँ पर, VIP के दर्शन के नाम से 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये लेकर दर्शन कराने की एक उन्होंने परंपरा बना दी वहाँ पर। एक ये भी फेल होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, जो नियम है वहाँ के वो पुराने वाले वो नियम लागू हो। ये जो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए सर? प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ये वहाँ सबसे बड़ा धार्मिक स्थल राजस्थान का, काफ़ी लोग दर्शन के लिए तरसते हैं, अब जाते हैं तो दर्शन करने के लिए भगवान के दर्शन, तो इस समय लोग सोच ही रहे, लेकिन राजस्थान सरकार चौधरी जितने मरना चाहे मरो, कोई ध्यान नहीं। मुख्यमंत्री जी जाना खां खां यात्रा कर रहे हैं, उनके विधायक धरने में झूठा धरना दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लूटावार मचा रहे कि ट्रस्ट को कह रखा है आप इधर लूटो, इधर मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मरने दो, मरने वाले का आंसू बहाया नहीं राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित खाटू श्याम के मंदिर को हारे का सहारा कहा जाता है, हारे के सहारे के यहाँ दर पर जाकर लोग अपना जीवन हार गए, कहीं ना कहीं ये घटना काफ़ी दुखद है। इस दुखद घटना से कोटा के लोग भी काफ़ी प्रभावित है, कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो वहीं जोधपुर में भी हमारे सहयोगी ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानने का प्रयास किया, रिपोर्ट में देखिए। लोगों की याद में अभी तक मेहरानगढ़ दुखांतिका ताजा है, जिसमें 216 लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए जोधपुर के लोग खाटू श्याम जी की इस हादसे को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, क्या मानते हैं आप? कड़े सुरक्षा के इंतजाम, खाटू श्याम जी के पहले मेहरानगढ़ दुर्घटना हुई 21 सितंबर 2008 को, 216 लोग मरे, उसके बाद में रामदेव अग्रति व्यवस्था की है इन लोगों ने, प्रशासन ने, तो यहाँ पे चूक क्यों हुई? यानी कि जगह रामदेव ले लो, ओसिया जी ले लो, चाहे और भी कोई छोटे बड़े मंदिर, यहाँ पे सबके बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लाइने के लिए, कतार के लिए पाइप्स लगे हुए हैं, तब इसके यहाँ पे खाटू श्याम जी मंदिर में भी लगे हुए हैं, तो प्रशासन की चूक है इसमें, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। प्रशासन कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरे से कंट्रोल रूम से ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसे हादसा कैसे हो गया, इसके लिए 100% प्रशासन की कहीं कहीं कमी है, चूक रही है, और पब्लिक भी हड़बड़ाहट में रही है, जल्दबाजी के चक्कर में मृत्यु हुई है लोगों की। आप क्या कहेंगे? ऐसे मिले का प्रशासन को बिल्कुल मालूम होना चाहिए कितनी भीड़ होती है और कितनी नहीं है और क्या व्यवस्था करनी चाहिए। मेहरानगढ़ में जो जसराज चोपड़ा की रिपोर्ट है उसके अनुसार बहुत से ऐसे आदेश भी या जानकारियाँ दी गई सरकार को जिससे कि अच्छी व्यवस्था हो सके, जैसे रामदेवरा में जो व्यवस्था है, जैसे ओसिया माताजी मंदिर में व्यवस्था है, इस तरह से व्यवस्था होती तो वहाँ पर कोई हादसा नहीं होता। और प्रशासन की नैतिक जिम्मेवारी है कि ये हादसे की नैतिक जिम्मेवारी है, इससे कोई नकार नहीं सकता। मैं ये कहता हूँ, ये मेले में यानी क्या कहते हैं, मेले में महिलाओं के लिए अलग ही होना चाहिए, पाइप वगैरह लगा गया, प्रशासन को इस टाइप का अलग करना चाहिए, महिला वगैरह को, लोगों को अलग सिस्टम दे दर्शन करने के लिए, ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है इसमें। लोगों का मानना है कि प्रशासन की ही कोई चूक है, इसी वजह से ये हादसा हुआ
जब आज की तारीख में इतने सभी सर्विलांस के उपकरण मौजूद हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं और सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा सकती है, महिला पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा सकती है, ऐसे में ये हादसा होना गंभीर चूक है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भीलवाड़ा, जहां से हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने का प्रयास किया। इस रिपोर्ट में देखिए आपकी क्या कुछ कहा लोगों ने। देश में आए दिन कई जो बड़े धार्मिक स्थान है वहां पर कई अनुष्ठान होते हैं और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जिस प्रकार अव्यवस्थाएं होती है या जिस प्रकार हमें वहां की दुकान तिकाई हमें देखने सुनने को मिलती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे जो ये हादसे होते हैं इन पर लगाम लगनी चाहिए या लगाम लगाई जा सकती है? क्योंकि पूर्व में भी हमने जिस प्रकार मेहरानगढ़ की दुकान तिका देखी है और कल ही जिस प्रकार हमने शिखर में खाटू श्याम वाला जो हादसा देखा जहां पर तीन महिलाओं की जिस प्रकार श्रद्धालुओं की जिस प्रकार वहां पर मौत के जो समाचार आ रहे हैं वास्तव में दुखद है और कैसे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कैसे और ज्यादा व्यवस्थाएं कर जिस प्रकार की जो घटना हो रही इनको रोक जा सकते, इसी को लेकर आज हम भिलोड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं इनसे हम चर्चा करेंगे। जिस सर जिस प्रकार देखा जाता है कि धार्मिक जो बड़े स्थान है जहाँ पर बड़े बड़े मेले या जिस प्रकार कावड़ यात्रा की बात करें तो जिस प्रकार श्रद्धालु निकलते हैं, कैसे इस जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है इसको कंट्रोल करें और कैसे जो होने वाले हादसों को हम रोक सकते हैं? सबसे पहले सीकर के अंदर जो खाटू श्याम बाबा मंदिर में जो भी घटना घटित है हुई है ये बहुत ही मार्मिक घटना है और कहीं ना कहीं आम जन के अंदर एक तरह से इसमें रोष व्याप्त है। और अभी जो ये जितनी भी घटना घटी है, हाल ही राजस्थान में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में घटना घटी, अभी सुनने को मिला कावड़ यात्रा के दौरान जो घटनाएं घटी और अभी आज सीकर के अंदर जो घटना घटी, सुबह 4:30 बजे तीन महिलाएं दबने से मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे लोग इसमें घायल हो जाते हैं। और न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि 6 बजे प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिस कारण से कुछ लोगों को जो बचाया जा सकता वो बचा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो जानकारी मिलती कि जितने भी धार्मिक स्थल है जहाँ लोगों का ज़्यादा आवागमन है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्था है वो माकूल व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ लोगों का आना जाना जहाँ ज़्यादा जुड़ाव है, जहाँ आस्था का केंद्र है, तो वहाँ पब्लिक ज़्यादा आएगी, भक्तों का जाना रहेगा, तो प्रशासन जिस प्रकार की कमेटी बनाता है या प्रशासन की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, जिस कारण से घटनाएं घटित हो रही है। मीडिया के माध्यम से सीकर की जो घटना घटित हुई और राजस्थान के साथ साथ जैसे रामदेवरा है, अभी सावन का महीना चल रहा है, कावड़ की जो यात्राएं निकल रही है और भी जगह धार्मिक केंद्र है, तो मेरा आप मीडिया के माध्यम से यही कहना है कि प्रशासन और सरकार इस पर संज्ञान लेकर एक आवश्यक कमेटी के रूप में पूरी एक बंदोबस्त व्यवस्था बनाए, जिससे किसी भी समय और किसी भी वक्त अगर कोई भी घटना घटित हो सकती है तो मौके पर प्रशासन का एक नियंत्रण हो, जिससे मानवीय घटना घटित नहीं हो, किसी की जान और हानि नहीं हो। तो मेरा आपके माध्यम से यही है कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले और अभी जो घटना घटित हुई है अब मुआवजा तो सरकार उनको दे रही है, पर जितने लोग घायल हुए और जो वह व्यवस्था है प्रबंधन की वो व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर थी, उन व्यवस्थाओं में बदलाव की आवश्यकता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और प्रशासन से निवेदन करूंगा माकूल व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेकर व्यवस्था अच्छी बनाए, जिससे जनताओं को कोई नुकसान नहीं हो। बिल्कुल, कैसे इन हादसों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है? इन हादसों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सबसे पहले तो सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि प्रशासन ही है जो भीड़ को मैनेज कर सकता है। और जैसा कि बड़े बड़े स्थलों पर अक्सर होता है इस तरह की हादसे होते हैं, तो इसके लिए प्रशासन को पूर्ण रूप से कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसे जिससे कि भीड़ भी नियंत्रित में रहे और आने वाले श्रद्धालु पूरी तरीके से दर्शन कर पाए। तो इसके लिए प्रशासन को और सरकार को मिलकर के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक प्रशासन, सरकार, वहाँ के आम जन और श्रद्धालु भी एक नियमावली के अंदर बंद के काम नहीं करेंगे, सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे, तो ये बहुत ही इस तरह के हादसे होते रहेंगे। सरकार की भी जिम्मेदारी है नियम बनाने की, प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी कि आप नियम का कार्यान्वयन करें और आम जन की भी जिम्मेदारी है, श्रद्धालुओं की भी बराबर जिम्मेदारी है कि आप उन नियमों का पालन करते हुए अपनी श्रद्धा जो है वो भगवान के सामने प्रस्तुत करें। तो इस तरीके से अगर प्रशासन, सरकार, आम जन और व्यक्तिगत वहाँ के सहयोग रहा तो जरूर इस तरह की घटनाएँ रुक सकती है। धन्यवाद जी। सर, पहले जैसे जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का हमने आशा देखा, कल जिस प्रकार खाटू श्याम का देखा और बहुत सारे जो धर्म स्थल है जहाँ पर श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहती है, भीड़ उमड़ती है, कैसे वहाँ इन जो हादसे होते हैं उनको रोका जा सकता है? इसके लिए तो प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा पब्लिक को समझाना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे त्यौहार है जिसमें क्या है कि भीड़ ज़्यादा एकत्रित होती है, तो उस भीड़ को क्या है मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि यह ऐसी घटनाएँ नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की जाए ताकि क्या है कि ऐसे हादसे नहीं हो।
और लोग बागों की जनानी नहीं हो किसी भी तरह। बिल्कुल, कैसे रोक लगे ऐसे हादसों पर? जैसे अभी वर्तमान में सावन चल रहा है, आने वाले समय के अंदर भाद्रपद चलेगा, जैसे जोधपुर के अंदर रामदेव जी का मेला भरेगा, उसमें लाखों की संख्या के अंदर भीड़ आती है, तो उसमें ट्रस्ट और प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ के, उनको पहले व्यवस्था बनानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, ताकि आने वाले जो श्रद्धालु आएंगे वहाँ दर्शन करने के लिए, पहले उनके लिए सुचारू रूप से बराबर व्यवस्था की जाए। और इसी तरह जलजुली एकादशमी पर जैसे चित्तौड़गढ़ में सांवले जी मंदिर है, वहाँ पर भी उस दिन लगभग लाखों की संख्या में भीड़ आती है, तो उस चीज़ के लिए पहले प्रशासन और सरकार को पहले संज्ञान में लेना पड़ेगा। जैसे आने वाले त्यौहार अभी वर्तमान में, उन त्यौहारों को देखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट के अधिकारियों को व्यवस्था बराबर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये थे बिल्कुल कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने बताया कि वास्तव में देश में बहुत सारे जो बड़े धर्मस्थल है वहाँ पर पूर्व में भी कई ऐसे हादसे देखने और सुनने को मिले हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार का भाद्रपद का महीना आ रहा है, जिस प्रकार उन्होंने बताया कि जोधपुर का जो रामदेव वाला मेला है या गोगा मेढ़ी का है, करौली का लक्की मेला है, बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर श्रद्धालुओं के जो बड़े बड़े जो हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो वहाँ पर ट्रस्ट के साथ ही प्रशासन को पूर्वा अनुमान के साथ जो भीड़ का जो पूर्वानुमान लगाकर और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करके ही जिस प्रकार श्रद्धालुओं की जो मौत की जो घटनाएं होती है, भगदड़ मचती है, इन पर रोक लगाया जा सकता है। इंडिया न्यूज के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। चलिए इसी के साथ इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम बोलू राजस्थान में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।